ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁੰਗੂ ਸੁੰਗੂ ਫਾਇਆ ਮਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸੋ ਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਸੋ ਥੱਲੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਰਾਟੇ ਲੈ ਆਈ ਚੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਕੋ ਜੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਮਸਤ ਤੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲੇ ਸੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ कैसी आप बोलते हो गया वो जाग जाता है चलो उसको बेड पे सेटल कर देते हैं इतना भी किसी आईज ओपन करके सो जाता है हैं बताओ अलग लेवल की मोहब्बत चाहिए माँ बेटे की इतना सुकून है ना तो सुकून मिल रहा है ना इतना तो मुझे भी गले लगा के नहीं मिला होगा ऐसा जाओ उसके बेड पे जाकर बगल में सो जाओ मैं उसके बेड पे आऊंगी नहीं फिट नहीं होगी नीचे सो जाना मेरे बेड से हटाओ उसको मेरा भी बेड है और मैं अपनी साइड हूँ मैं अपने पाले में द नेक्स्ट डे सूर्य 8 बज रहे 7:55 गुड मॉर्निंग हो गई है जी कोको जी की अब कोको जी देखो जी शैतान हो गए थोड़े से और बाबू आओ सुसु कर लो आ जाओ तो जी गाइस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कोको बेरी जी को ब्रेकफास्ट कराते कराते स्टे कोको स्टे कोको स्टे स्टे कोको बहुत शैतान हो गया है स्टे चम्मच लगा चम्मच लगा कोको चम्मच लगा कोको जी ने चम्मच ही खा लिया जी दीदी यार इसको मैं नीचे दे दूं यहां पे नहीं नहीं तो मतलब समझ नहीं आ रही चम्मच ही खा जाता कोई बात नहीं अब वो ठीक हो गया ना उसको भूख लगने लग गई बहुत जोर से पूरा चम्मच जीभ से चाट ले भाई पूरा स्वाद आ जाएगा चम्मच क्यों खानी होती है अगर वो इतना समझदार होता तो फिर क्या बात होती एक बार इसमें डाल के दूं जी अंदर तो नहीं रिस्क है नहीं रहने दो बस हो गया रिस्क ना लो खा तो ली ना उसने दो स्पून में क्या होता है वाह जी वाह डॉक्टर साहब ने तो एक ही स्पून बोला था बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल तो यार तुम बेदी पकड़ नहीं पाती हो उसको सुन ये ओरल ड्रॉप है जो ये खा रहे हैं किसी तरह जी बाहर आया जी ढक्कन बेदी जी सुबह सुबह भी आप पता नहीं क्या पंगे पा लेते हो मैं उसको नीचे ही दे रही हूँ थोड़ा चाट तो लेगा ना एटलीस्ट सॉरी 8:09 और कोको जी देखो कोको बवाल मचा दिया है कोको जी ने ये तो इसकी कोली में पा देते हैं ओए को ओए को ऐ को अरे ओ रे ऐ रे कोको ये पकड़ोगे कोको बंद कर दो अरे हाय सो जी चा आ गई है न्यूज़पेपर भी आ गए कोको जी कहाँ रह गए कोको नीचे क्या कर रहा है पेपर दो वापस ना तो दिक्कत हो जाएगी बेटी जी क्या दिक्कत होगी पेपर दे रही होगी बताएं नो वे हाँ हाँ वेरी नाप पंगे लेने में तो मजा आता है सुबह सुबह
सो जी ये दबाम छील रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। देखो देखो छूट के आ गए। बहुत ज्यादा पावर आ गई है देवी। अच्छी गल है भैया, ठीक हो गया, एकदम चुस्त हो गया लड़का अपना। चलिए आइए, बार न बनो, बार बंद चिल्लाना चालू। अकेला नहीं रह सकता, कहाँ रखो, सामने रखो। चल जाओ, चल जाओ, चलो हम जा रहे भाई, बाय बाय कर दो। आलू की सब्जी बन रही है। बेदी जी बादाम खिला रहे हैं कोको जी को, वो भी छील के। ये कौन है क्या? ये तो पर यार अभी अभी ठीक हुआ है। और ये तो पूछ लो कौन है क्या, आधा दे दूँ। आधा दे दूँ? एक को डाइट का था शुरू करने को, और हम लोग हैं कि आपको बोल रहे हो नारियल पानी दे दो। फुल सॉलिड पे आ गए, कल रात को लाए हैं हम आपके लिए नारियल पानी। चाहिए पेट भरने। ये बादाम छिला है जी, आधा दे दो। सो कोको के लिए आ गया है नारियल पानी। कोको, नारियल पानी फॉर यू। वेट, स्टे, स्टे, वेट, स्टे, वेट, वेट, बिल्कुल वेट। मेरा बच्चा कितने टाइम बाद पानी पी रहा है। बस खत्म बच्चा। किन्ना चट्टेगा हुन ओनू, किथे ले जा रहे है? तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है बाबू। कोको जे ओ टूटिया ते दोबारा नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए दादी नीचे इनको दिया नारियल पानी। हाँ, थोड़ा सा ही दिया अभी। अभी थोड़ी देर करके दे रहे हैं। पी गया? हाँ, एकदम। अरे जो कंटेनर था वो भी खाने की फिर आती। ओए ओए, सो जी बेदी जी ने हमारे लिए सुबह सुबह जी खरबूजा कट किया है। कोको जी सेटल हो गए हैं जी, वाहेगुरु का जाप कर रहे हैं। समय हो रहा है जी कुछ 9:25, और हम जा रहे हैं रेडी होने। एक्सरसाइजेज हो गई हैं कंप्लीट। सो जी ये कोको जी को नारियल पानी देने की तैयारी है जी। लाओ जी कोको। कोको मेरा बाबू, मेरा बच्चा। क्या बात है जी, बारिश हो गई है क्या? क्या हो गया पापा को? बारिश हो गई है क्या? खाने देखा थी। क्या काम है? अरे तो 2 मिनट बाद पूनी हो जाएगी। सो जी बेदी जी पापा जी की पूनी करा रही है पगड़ी की। मम्मी ना हो, पापा जी ने पूरा घर चुक लिया है सिर पे। क्यों कोको जी, चलिए आइए इधर। बिल्कुल पीक आवर पे जानते हैं, पता है मंदिर हो रही है, पूनी करानी है। रतलाम मम्मी का कॉल आया। अभी देखो रुको बताती हूँ आपको। क्या खिलाया ट्विंकल इसको? बादाम खाए। बादाम खाए और अब ये मलाई खा रहा है ये। हाथ नहीं खाना मेरा जी। कोको जी के पापा ने पानी डाल दिया जी पौधों में, और अब जा रहे हैं नाई नाई करने। सो जी 10:59, कोको जी सो रहे हैं, कोको जी के पापा जी रेडी हो गए हैं, कोको जी की मम्मी जी रेडी हो रही होंगी जी, तो रेडी हो रही हैं। दादी जी आ गए थे गाइस ऊपर, चले दादी जी से मिले, पहले ब्रेकफास्ट किया जाए, फिर कोको जी को उठा के डिस्टर्ब करके लेके चला जाएगा जी डॉक्टर जी के पास। और डॉक्टर जी के पास के बाद जी हम लोगों ने जाना है, साइकिल लेने जा रहे हैं जी। आज छोटे लाल जी की शादी आ रही है, तो उनके लिए कपड़े कुपड़े भी सिलवाने। कोको वैरी अपना एकदम नींद में है जी। बिना आंटी पूड़ी लेके आए हैं। चलो ठीक है ओके। और दोनों छोले खा लेंगे जी, हलवा भी आया है साथ में।
पंडित जी जी पूजा कर रहे हैं। दादी गुड मॉर्निंग। सफाई हो गई नीचे आज? नींद भी पूरी हो गई। आइए जी आइए, ब्रेकफास्ट किया जाए। टॉकिंग्स हो गई है जी 12:45 और हम लोग आ गए जी डॉक्टर जी के पास। आज जी इनका लास्ट डे है एकदम। अरे रुक जाइए मालिक, गिर जाएंगे आप। गिर नहीं जाएंगे, लहर जाएंगे यार। सो जी 12:31 बेदी जी और कोको जी घर जा रहे हैं। पहले तू ही चल ले काम कर। बाय बाय जी। हम चल पड़े हैं दफ्तर के लिए। छोटे लाल जी के लिए कपड़े आज लेने जाने का विचार बन सकता है, पर जी हो सकता है कि ट्रेडमिल या साइकिल जो भी लेने का प्रोग्राम बने वो आज नहीं बनेगा, क्योंकि आज है जी सैटरडे और मम्मी जी ने सुबह सुबह जी टोक दिया कि सैटरडे को लोहा नहीं लेते हैं। खैर हम मानते नहीं है इन सब चीजों में, पर टोकी हुई चीज को फिर हम फॉलो नहीं करते। कोई अगर किसी बात पे कोई बिंदी लगा दे फिर वो चीज करने का मन नहीं करता। तो हम और बेदी जी ट्रेडमिल या साइकिल क्या लेना है ये कल देखेंगे। घर पे कहीं कार्डियो नहीं हो पाता। वेट लिफ्टिंग तो हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत, हमने काफी वेट शेड आउट किया है, पर तब भी थोड़ा सा और के लिए ये हुआ कि ट्रेडमिल या साइकिल कुछ ले लिया जाए। कपड़े छोटे लाल जी के लिए आज लेने जाए जाएंगे। अगले महीने जी उनकी शादी आ रही है। कोको बेरी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। अब डॉक्टर जी के पास नहीं जाना है। 3 टाइम उनको सरलैक देना है, हफ्ते भर यही चलेगा और उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। फिर उनका डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगेगा या जो भी मेडिसिन उनकी चलेगी, जो भी जैसा रहता है वो सारी चीजें की जाएंगी। भाई घर उल्टी कर रहे कर दी यार। क्या खाया इसने? कुछ तो कहीं कुछ खाया है इसने। थोड़ा ध्यान रखो यार इस चीज का। चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई नहीं बची है, देखो ये देखो यहाँ पर। कोई नहीं दादी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी कोको जी हो गए हैं थोड़े से सुस्त और इनकी तबीयत थोड़ी सी और गड़बड़ा गई है। बेदी जी गुस्सा हो गए हैं। सो जी गाइस, हमने और छोटे लाल ने आज जाना था इनके कपड़े सिलवाने, जो कि नहीं जा पाए व्यस्त होने के कारण, और हमने भी ट्रेडमिल या साइकिल कुछ तो लेना था जो कि नहीं ले पाए। देखो दादी कह रही है कि दादी ब्याह अगले महीने गए। बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कोको जी इधर उधर घूम रहे हैं। पेट हो गई है। आप आप सेहत हो गई है। मुन्नू भैया की बात हो गई है। नहीं नहीं दादी, बहुत जरूरी जरूरी है। मिलती है घर में, बात करने को मिलता है। चुप से अकेले से अच्छा है ना। दो रोटी तो मिल रही है, रात में बनी बनाई रोटी मिल रही है। थोड़ी देर बैठ के बातें भी कर रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। पाया है दादी, अभी दिखाते हैं आपको। पाया है कोकोनू। अरे क्या यार, कर दी कर दी।